नहीं खानी है उस बारे में बात करूंगी भाई। मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप अपना फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हो तो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। चीनी बिल्कुल त्याग दो। फल भी वो खाओ जो ज़्यादा मीठे ना हो या इन्फेक्शन हो रहा है तो मत। गाइस, दिस इज योर लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, माय नेम इज सिस्टर आरती, एंड टुडे अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम अमंग ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स। दोस्तों आज बात कर रही हूँ फंगल इन्फेक्शन की। दोस्तों 5 में से 1 इंसान को ईजिली फंगल इन्फेक्शन मिल जाता है, बट दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग ना इसके बारे में बात करते हैं ना ही इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। एक्चुअली में वो घबराते हैं, शर्माते हैं और झिझकते हैं इस बारे में बात करने के लिए, राइट? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप करोगे तो मैक्सिमम 20 डेज और मिनिमम 15 डेज के अंदर गारंटेड आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 डेज या 2 घंटे या 3 दिन, नहीं, इट डज टेक टाइम, ओके? तो दोस्तों पहली चीज मैं आपको बता दूंगी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है प्लीज डॉक्टर्स के पास विजिट किया करें, घबराएं नहीं, बट आप इन चीजों को घर में भी ठीक कर सकते हैं। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये आपको क्यों हो रहा है, ताकि अगर आप कारण जान लोगे तो आप उन चीजों को नहीं दोहराओगे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा या बढ़ेगा नहीं, ठीक है? फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगी आप कौन कौन सी चीजें लगाएं जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊंगी आपका लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट जिसको ठीक करके आप फंगल इन्फेक्शन ही नहीं न जाने कितनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि हर चीज की जो जड़ है वो आपका लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट ही है। तो दोस्तों सबसे पहला एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। लोग जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड दे यूज़ टू से कि भाई आप लोग अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, या अपनी हाइजीन का ध्यान रखें इसलिए ये हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों एक्चुअल में गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आना लाजमी भी है। दोस्तों जो लोग प्रॉपर अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस इक्वल हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो ही आपको ये प्रॉब्लम होगी। हाइजीन पूरी तरह मेंटेन करते हैं, दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं और 3 बार नहाते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस आप में इक्वल हैं, ठीक है? तो डरने की या शर्माने की बात नहीं है कि लोग बोलेंगे हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं इसी वजह से लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसके होने के कारण क्या है? दोस्तों कारण कहीं ना कहीं यही है कि आपकी बॉडी में आपका जो खून है वो साफ नहीं है, आपका लिवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका डाइटरी मैनेजमेंट ठीक नहीं है और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो आपका लिवर काम ठीक से करेगा, आपका खून ठीक से काम करेगा, बॉडी प्रॉपर टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? एंड आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इम्यूनिटी कम है तो भी आपको तरह तरह के रोग लगने लाजमी है। तो नंबर 2 की कौन कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से ये चीज़ ना हो और हो रही है तो रुक जाए या बढ़े ना। पहली चीज़ उसमें आती है आपके कपड़े। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो काफ़ी टाइट कपड़े पहनते हैं, स्पेशली जीन्स। भाई जीन्स ना पहना करो, आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स, मैं जीन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट भाई जीन्स हमारी भारत की जलवायु के अनुसार नहीं है, ये ठंडी जगहों पर पहने जाने वाला कपड़ा है। तो जीन्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो। जीन्स मोटे कपड़े की होती है, आपके स्किन पर टाइट होती है, रगड़ती रहती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, पसीना इसमें सोख हो जाता है, प्लस जीन्स लोग धुलते भी नहीं है, एक जीन्स 2 बार तो एटलीस्ट पहनते ही हैं। तो भाई जीन्स एक प्रॉपर पहनावा बिल्कुल भी नहीं है, कम्प्लीटली अवॉइड करो जीन्स को पहनना। और जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं वो लोग अपने लिए जो अपने शॉर्ट्स पहनते हैं, टाइट शॉर्ट्स पहनते हैं, सपोर्टर्स पहनते हैं, तो वो भी अपने सपोर्टर्स को रोज़ाना वॉश करें। नंबर 3 चीज़ कपड़ों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके अंडर गारमेंट्स, प्लीज़ अपने अंडर गारमेंट्स थोड़े ढीले लिया करो, जो आपका साइज़ है उससे एक साइज़ प्लीज़ बड़ा खरीदा करो, ताकि हवा थोड़ी पास होए और वो रगड़े ना, टाइट ना हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ना उस एरिया का रुक दे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ अंडर गारमेंट्स में, अंडरवेयर्स की प्लीज़ वो जो आप पहनते हो स्पेशली वो सी शेप वाले, जांघिया जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं पहनना है। थाइस तक की लेंथ वाले कॉटन के आप चाहो तो टेलर से सिलवा लो, नहीं तो अपने से एक साइज़ बड़ा कपड़े खरीद लो। तो कपड़ों में इन चीज़ों का आपको स्पेशल एहतियात रखना है। दूसरा पसीना। पसीना अगर आता है दोस्तों उसको क्लीन कीजिए और ड्राई कीजिए। पसीना अगर किसी भी पार्ट में रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हैं उन लोगों में भी ये चीज़ बढ़ जाती है कि थाइज़ रगड़ खाती हैं। तो अपना वेट आपको एक तो थाइज़ का अपना कम करना चाहिए अगर ज़्यादा है तो पसीना नहीं आने देना है, पसीना सुखाना है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पानी अगर आप डालते हो अपने शरीर पे उसको अच्छे से ड्राई कीजिए, नहाने के बाद तौलिया से अच्छे से पैट करके उसको सुखाएं। गीले कपड़े ना पहने, हल्के से मॉइस्ट कपड़े ना पहने, अपने कपड़ों को धूप में सुखाएं, तभी उन कपड़ों को पहने। रेगुलर सनलाइट ज़रूर लें और किसी ऐसी जगह ना रहें भाई जहाँ बहुत ज़्यादा सीलन और फंगस वगैरह रहते हैं। अपने घर में आप रेगुलर अपने कर्टन्स को, अपनी बेडशीट को, हर
चीज़ को अच्छे से धोएं और धूप में ज़रूर सुखाएं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको एहतियात लेनी है। पॉइंट नंबर टू कि आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आप लगाएं जिससे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों रामबाण तीन चीज़ हैं इसमें। नंबर वन नीम। पहले के समय लोग नीम से दातुन करते थे, आपने देखा था, तो जो दातुन का जो रस होता था वो रस आपके दातुन करते हुए आपके सलाइवा में मिक्स होकर आपके पेट में चले जाता था, जिससे कि आधी से ज़्यादा बीमारियाँ होती नहीं थी। अब लोग कॉलगेट कर रहे हैं, वो कॉलगेट ही अंदर जा रहा है। तो प्लीज़ नीम का दातुन यूज़ किया करिए, नीम के पत्ते खाइए, नीम का जूस पीजिए। अब करना क्या है इसमें, गिलोहे और नीम ये दो चीज़ का आप जूस ले लीजिए। ये आप ये बहुत अच्छे से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती भी है, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी खत्म होती है। तो गिलोहे का जूस और नीम का जूस दिन में दो बार एक एक ढक्कन दो ढक्कन पानी में मिक्स करके पीजिए, रेगुलर दो टाइम पीजिए, 20 दिनों तक करना है, ठीक है। एंड नंबर थ्री आपको एलोवेरा को आप तोड़ लीजिए, फ्रेश एलोवेरा थोड़ी देर उसको ऐसे प्लेस कर दीजिए ताकि उसका जो पॉइजन होता है येलो कलर का वो निकल जाए। निकलने के बाद उसको अच्छे से धोएं, साइड से उसके कांटे निकाल के छिलका निकाल के अंदर का गूदा निकाल लीजिए। उस गूदे में हल्की सी आप हल्दी मिला, अगर देसी हल्दी हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भाई ऐसी लगा लो, अंबा हल्दी होती है आपको शॉप से मिल जाएगी, तो आप उसको या आप सादा एलोवेरा भी उस स्थान पर लगा लीजिए, आपके ग्रोइन एरिया में है या जहाँ पर भी है, आप एलोवेरा को वहाँ पे मसाज कीजिए। नॉर्मल दांत खाज खुजली तो एलोवेरा लगाने से ही चली जाती है। उसके अलावा आप नीम का और गिलोहे का पेस्ट भी लगा अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जो आपका जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पे नीम और गिलोहे के पत्ते पीस के आप लगा सकते हैं, एलोवेरा का पत्ते लगा सकते हैं। तो एक तो इनमें से कुछ भी एक ऑइंटमेंट की तरह लगाना है, साथ ही साथ एक आपको जूस पीना है। नंबर थ्री पानी जितना हो सके उतना पीजिए, पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है, तो जितना हो सके उतने पानी को इंक्रीज़ कर दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। सुबह के समय एक गिलास नॉर्मल पानी में, नॉर्मल टैप वाटर में, या टैप वाटर नहीं सॉरी नॉर्मल पानी जो फिल्टर का पानी है, अब बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं टैप वाटर, हालांकि पीना ज़रूरी है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको बैठ के सिप सिप करके पीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक आयुर्वेदिक दवाई है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, साथ ही साथ अंदर जितने भी जो विषैले पदार्थ हैं उन सबको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये तीन चीज़ आपको रेगुलरली फॉलो करनी है अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो गारंटेड दोस्तों अगर 20 दिन इन चीज़ों को करोगे, अप्लाई करो गिलोहे नीम का और एलोवेरा का जूस गूदा, और साथ ही साथ नीम और गिलोहे को पीजिए। एंड नंबर फोर्थ जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, साबुन। दोस्तों वैसे ऐसा बोला गया है साबुन नहीं लगाना है जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, पर अगर आपको लगाना ही, आपको नहाना ही है, तो दोस्तों पतंजलि में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यार पतंजलि में मैं खुद उस सोप से नहाती हूँ, पतंजलि में मुल्तानी मिट्टी के आपको सोप मिल जाएंगे, हल्दी के सोप मिल जाएंगे आपको, तो आपको नेचुरल जो सोप्स है आप हल्दी वाला सोप ले लीजिए या फिर आप मुल्तानी मिट्टी वाला सोप ले लीजिए, उससे आप नहाएं, ठीक है। एंड अपने कपड़ों को यार प्लीज़ धूप दिखाएं, जिनको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है वो खुद रोजाना जिस भी एरिया में फंगल इन्फेक्शन है उस एरिया को धूप ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करनी बहुत है। नेक्स्ट इज़ योर लाइफस्टाइल एंड योर डाइटरी मैनेजमेंट। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जिनको भी फंगल इन्फेक्शन है पहले कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है उस बारे में बात करूँगी। भाई मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप अपना फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हो तो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है यार। चीनी बिल्कुल त्याग दो, फल भी वो खाओ जो ज़्यादा मीठे ना हो, या इन्फेक्शन हो रहा है तो मत ही खाओ, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स खाओ जिनमें मीठा थोड़ा कम हो, साथ ही साथ दूध के साथ में चीनी मिला के मत खाओ, और दूध नमक वाली चीज़ों के साथ मत लो, दूध प्लेन ही पीने का होता है। अब लोगों ने यार बिजनेस चला दिया है ना इसमें, दूध में ये मिलाओ और दूध की शक्ति बढ़ाओ, भाई दूध वैसे ही बहुत शक्तिशाली है। दूध को आराम से बैठ के धीमी आंच पर पकाना होता है, उसके बाद उसको आराम से सिप सिप करके गुनगुने दूध को पीना होता है, ये मेथड है दूध पीने का, ना कि आप जो शक्कर मिला दी, कौन कौन से क्या क्या फ्लेवर्स मिला दिए, वो गलत है। तो दूध को प्लेन पीना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको दूध के साथ नमक नहीं खाना है, मीठा कम्प्लीटली अवॉइड करना है। नंबर टू दोस्तों जितनी भी जो लेस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके भिंडी हो गई या आप बैंगन हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खानी है फंगल इन्फेक्शन अगर है तो, ठीक है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खानी है जो आपके शरीर को पोषण प्रदान करे, जैसे कि आप प्रोटीन खाइए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है, आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। वाइटामिन ई रिच चीज़ें खाएं, जिन चीज़ों में अच्छा खासा वाइटामिन ई है, कैल्शियम रिच चीज़ें खाएं, धूप नियमित रूप से लें, और
जो आप हेल्दी फूड भी खाते हैं, जैसे करेला भी खाएंगे उसमें दुनिया भर का ऑयल मिला के आप करते हैं, वो नहीं करना है। करेल जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आंवला खाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेला खाएं, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, हील करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप रेगुलर कीजिए अपने खाने में। मीठा नहीं खाना है, चीज़ों को नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में खाना है, लेस वाली चीज़ें नहीं खानी है, ओके। और अपनी बॉडी में यार हो सके तो किसी डॉक्टर से लिखा लो, मल्टीविटामिन्स वगैरह रेगुलर लो, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कमी होती है किसी चीज़ की और इम्यूनिटी कम होती है तभी ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यार एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, रोजाना सुबह उठ के कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करें। अगर आप रोजाना 15 मिनट भी कपालभाति करते हो तो आपका इन्फेक्शन जड़ से ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों के साथ में रेगुलरली कपालभाति को ज़रूर ज़रूर करो। तो दोस्तों बस इतनी सी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करोगे तो आपका इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो, जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो और प्लीज़ दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है और जो लोग बता भी नहीं पाते। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।